Hi everyone, today I'm with my brother and Adam. Hi guys, मैं सूर्यांश. Yes, and Adam आपको अपनी 20 year old van का काफी unique feature बताने वाले हैं, जो कि आप बिना race के चल पड़ती है, चाहे चढ़ाई हो चाहे plain हो. और वो हम वीडियो आपको भी आगे दिखाने वाले हैं कि कैसे ये नॉर्मली तो बिना रेस के चलती चलती है, चढ़ाई पे भी अब इसको रेस देने की कोई जरूरत नहीं बिना पड़ती रेस है. के ऑटोमेटिक अब तो ये गाड़ी काफ़ी ऑटोमेटिक हो गई है. एंड आई बिलीव इंडिया को ऐसी काफ़ी ऑटोमेटिक गाड़ियों की ज़रूरत है जो कि बिना रेस और ब्रेक के, सॉरी ब्रेक तो चाहिए, जो कि बिना रेस और पेट्रोल के चलें. एंड एटलीस्ट ऑटोमेटिक तो हो गई है ये, जो कि बिना रेस के चलती हैं. एंड वी नो फॉर श्योर देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट technical, but we would want you guys to share that reason with us in the comment box. For us, this is very surprising to us, क्योंकि और भी vehicles हैं हमारे, but किसी भी गाड़ी ने ऐसा unique experience हमको नहीं दिया है कि बिना race के चलती हो. So with that, I'll be handing over to my brother. So guys, इसका एक unique feature नहीं है कि ये बिना इसके चलती है, इसकी मतलब सारी चीज़ें खुल जाती है. एक तरह की बड़ी बेसिक गाड़ी है ये. सो ये स्टेयरिंग का ये हॉर्न बजाने वाला खुल जाता है, ये खुल जाता है. यहाँ पे वो कुछ पेट्रोल वगैरह भरते हैं, कुछ तेल वगैरह, फिर ये खुल जाता है. फिर ये कुछ बॉक्स हैं, ये भी खुल जाते हैं. ये लाइट भी खुल जाती है पूरी, और ये पूरी लाइट भी खुल जाती है. ये देखो, एक तरह से बड़ी बेसिक कार है ये देखो, पूरा हॉर्न भी इधर से बजा सकता हूँ मैं पूरा. सुन ही पा रहे होंगे तो ये काफ़ी आवाज़ करती है, बट अच्छी है. कई बार साइलेंट गाड़ियों में चलने का मज़ा नहीं आता है. See, you can see कि चढ़ाई कितनी है यहाँ पे, right? तो जैसा कि आपको मेरे ब्रदर ने बताया कि इसे काफ़ी चीज़ें हैं जो खुल जाती हैं. मॉडर्न गाड़ियों के तो नहीं खुलती हैं, बट इसे खुल जाती हैं. बट ये ही यूनिक गाड़ी है जो कि बिना रेस के भी चल पड़ती है. हमें कोई रेस देने की ज़रूरत नहीं है. एंड वी नो व्हेन वी यूजली यू नो ड्राइव इन सिटीज, फॉर श्योर दिल्ली में तो मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी है. रेस ब्रेक करते करते ही पैर थक जाते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा हमको. एंड फॉर श्योर विल बी शोइंग इट टू द टेक्नीशियन व्हेन वी विल गो टू द नेक्स्ट टाइम, बट टिल दैट टाइम वी गोना एंजॉय
our vehicle like this only. So with that, thank you so much for watching this video. Thank you guys. Yeah, our comments in the comment box. And yesterday was Independence Day, so aap sab logon ko bahut bahut Independence Day ki mubarak ho, and we all truly feel very proud to be an Indian. So thank you so much for watching this video, and we'll see you in our next video, where me and my brother went to a very special place to get locally made brewed drink. So we'll post that video as well, and that is something which is available in our region only, right? And if in case that is available in your region also, please do let us know, right? Or आपने अगर taste कर रखी है किसी में से तो आपका comment करना बनता ही है, and we will also share our experience कि कैसी थी वो. Guys, वो झोल वाली video हमने shoot की थी वहाँ पे सौरभन VR बंदला, और बताना कमेंट में किस किसने पी है वो स्पेशल चीज हिमाचल की. और वो जो प्लेस है वहाँ पे कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट्स हैंग आउट करने जाते हैं, तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आई बिलीव यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, इफ नॉट प्लीज़ डू गो एंड ट्राई, अच्छी चीज़ है. और अच्छी भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं.